भाई मेरा तो यह मानना है कि मूवी ऐसी बनाओ कि चार लोग बोले कि का बवासीर बना दिया हो। आदि पुरुष रिलीज हो चुकी है और इसे कोई मामूली मूवी मत समझ लेना, ये एक हादसा है। एक बहुत बड़ा मजाक जिनको लगता था कि आदि पुरुष मूवी को देख के उनकी रामायण की यादें ताजा हो जाएंगी। मूवी में पॉजिटिव की बात करेंगे क्योंकि हम एक तरफा बातें नहीं करते। VFX तो चलो अपनी जगह है, पर मजाक मूवी में करेक्टर्स डायलॉग्स और फैक्ट्स के साथ किया गया है। और इसे देखने के बाद तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि हनुमान जी आए और क्रिएटर्स के सर पे एक मुक्का मार दे बस। आओ देखते हैं कि इस हादसे का प्रभाव कहां तक हुआ है। पहले मूवी के पॉजिटिव की बात कर लेते हैं जो कि गिनती के एक दो ही है। पहला ये है कि मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक और सॉन्ग अच्छे हैं और उन्हें अच्छे से यूज किया गया है, बस एक जगह को छोड़ के, लेकिन उतना चलता है। दूसरा पॉजिटिव मूवी में सिर्फ एक दो एक्शन अच्छे लगे, जैसे कि जटायु के पंख काटने वाला। हाँ, जटायु को कौवा बना दिया है, उसकी बात निगेटिव में करेंगे। मूवी देखते हुए रामायण की थोड़ी थोड़ी फील तो आ ही जाती है। अब तुम बोलोगे की मूवी ही रामायण पे बनी है, हाँ उसके बावजूद रामायण की फील थोड़ी सी ही आएगी। बात करते हैं निगेटिव की, जो निगेटिव नहीं पाप है। मूवी का VFX टॉप नॉच है, रावण का 10 सर ऊपर नीचे, जटायु को तो कौवा ही बना दिया, और जो रावण के पुष्पक विमान के साथ किया है, नाम में ही विमान है, उसे एक चमगादड़ बना दिया है। सच बताऊं तो अगर रावण जिंदा होता तो खुद पर्सनली मूवी बनाने वालों को इन्हीं के चमगादड़ की टट्टी इन्हीं से साफ करवाता। एक तो बेचारे की सोने की लंका को काली करती। मूवी VFX के मामले में काफी इनकंसिस्टेंट है। बाद में इन्होंने सीन्स को कलर ग्रेड करके डार्क कर दिया है ताकि अंधेरे में इनका फैलाया हुआ गंध किसी को ना दिखे। मूवी में करेक्टर्स जब भागते हैं तो इतना बेकार स्लो मोशन या फिर उनका एनिमेशन है कि इससे अच्छी क्वालिटी की वीडियो तो यूट्यूबर बना लेते हैं। वानरों की सेना को बंदरों की सेना बना दिया गया है और जो इम्पोर्टेंट करेक्टर है वानर सेना में, उनको किंग कॉन्ग बना दिया। मूवी के डायलॉग्स इतने अच्छे हैं कि राइटर को सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कर कैसे लेते हो वे। वैसे तो मुझे पूरा कन्वर्सेशन जो हुई है इस मूवी में, सारे डायलॉग्स की राइटिंग बेकार लगी, लेकिन कुछ स्पेशल है। कुछ डायलॉग्स के एग्जांपल तुम सुन लो। लंका जलाने वाले सीन में इंद्रजीत बोलता है कि क्यों जली ना, जिसकी जलती है उसी को पता चलता है। इस पे हनुमान जी बोलते हैं कि कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। एक और सुनो, जब हनुमान जी का करेक्टर सीता जी से मिलने आया होता है तो वहाँ एक असुर आता है और बोलता है कि ए तो अंदर कैसे आया, ये तेरे बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। ये क्या है, क्या जरूरत है ऐसे क्रिंज डायलॉग्स की। ऐसे बहुत से हैं। श्री राम का रोल जो प्रभास ने किया है वो बिल्कुल प्रभास के लिए नहीं था, बहुत बेकार नहीं था, लेकिन वी डिजर्व बेटर। और प्रभास ब्रो, मूवी पैसे देके नहीं, स्टोरी और अपना रोल देके साइन किया कीजिए प्लीज। हनुमान जी का रोल भाई साहब, ट्रेलर में ही लोगों ने उसके लिए कितना बोला था, पर फिर भी कोई चेंज नहीं किया गया है। इतना बेकार रोल मैंने आज तक नहीं देखा। हनुमान के रोल का तो धर्म परिवर्तन ही करा दिया है मेकर्स ने। जानकी का रोल ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। बाकी लक्ष्मण जी का रोल बिलो एवरेज था, मुझे नहीं है। तुम बताओ, तुम अगर मूवी देखने जाओगे मैं तो कहूंगा कि मत ही जाना। अगर यही देखना है कि आखिर ये कितनी खराब है तो इसे OTT पे आने दो, वहाँ पे देख लेना। बाकी जो लोग देख चुके हैं वो अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट करें। और हाँ, अपने बुआ के बगीचे में आए वो वीडियो को लाइक कौन करेगा।